कोठरी से कोई बेदाग निकल जाए तो उसे हरिश्चंद्र कहते हैं। खासकर जब कोठरी से निकलने वाला सफेद पोशधारी हो तो उसका बचना मुश्किल ही हो जाता है। ऐसे में वही सफेद पोश जब काजल की कोठरी को ही उपयोग करता है और अपना साम्राज्य खड़ा करता है, इसके लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के उन सिपह सालार की जो विधायक की छत्र छाया में जमकर अवैध कारोबार कर रहे हैं। इनके सिपह सालारों में हत्या के आरोपी, खनिज माफिया, शिक्षा माफिया से लेकर गुंडे बदमाश पदाधिकारी हैं। हाल ही में इनके परम विश्वास पात्रों के खिलाफ जिस तरह से घर में घुसकर मारपीट, हत्या का प्रयास, धमकी, गाली गलौज के मामले दर्ज हुए और कार्यवाहियां हुई हैं, वो जग जाहिर है। और पार्टी में सिद्ध हो गया कि विधायक के द्वारा किस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिया गया है। सबसे अनुशासित माने जाने वाली भाजपा पार्टी ने इनके गुंडों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर यह साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी की छवि धूमिल करने वाले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके बाद भी इनका बनकुइया मंडल का मीडिया प्रभारी अमित पांडे अपनी बादशाहत बनाए हुए है और राजनीतिक धौंस देकर जमकर अवैध उत्खनन कर रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हमारी टीम बनकुइया क्षेत्र के दादर मोड़ पहुंची, जहां मरहा में मोती पांडे, जो अमित पांडे के पिता हैं, इसकी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाते हुए जमकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। अस्मिता स्टोन क्रेशर लिखे बिना नंबर के हैवी वाहन और मशीनरी धरती का सीना छलनी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसका इतना वर्चस्व है कि सड़क तक हैवी मशीनों से खुदाई कर दी और सरकारी जमीनों में अवैध उत्खनन कर रहा है। इसके बावजूद खनिज विभाग, जिसकी गाड़ियां अक्सर क्षेत्र में फर्राटे मारती रहती हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि आंख उठाकर देख लें। इसके गुंडे चारों तरफ इतना आतंक मचाया हुआ है कि आस पास के लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे। जब हमने गुप्त कैमरे से लोगों से बात की तो सच्चाई उजागर हो गई और लोगों ने बताया कि भाजपा के बनकुइया मंडल का मीडिया प्रभारी अमित पांडे और उसके पिता मोती पांडे वर्षों से पूरे क्षेत्र में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा इन्हें खुली छूट दी गई है। यह खुलेआम सड़क के किनारे विस्फोटक कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। उक्त पूरे मामले को लेकर जब खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो बताया गया कि खनिज अधिकारी बाहर हैं। वहीं निरीक्षक वीर सिंह ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है, वह दिखवा लेंगे। साथ ही बल का भी रोना रोया। आपको बता दें कि यही खनिज विभाग छोटे मोटे कारोबारियों पर कार्यवाही कर अपनी पीठ थपथपाते हैं, जबकि नाक के नीचे व्यापक स्तर पर हो रहे अवैध उत्खनन में भाजपा नेता की ढाल बनकर खड़े हैं। अब देखना यह है कि भाजपा माफियों के खिलाफ कार्यवाही करने का दम तो भरती है, तो क्या सिमरिया क्षेत्र के इन खनिज भूगुंडा शिक्षा माफियों पर कार्यवाही करती है या आंख बंद कर लेती है। पहले देखिए आप वीडियो, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि किस तरह से बनकुइया मंडल का मीडिया प्रभारी अमित पांडे किस तरह से अवैध उत्खनन कर रहा है, जिसे देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि विधायक केपी त्रिपाठी के इन माफियों का कितना क्षेत्र में भय व्याप्त है और अधिकारी क्यों हाथ डालने से डरते हैं। उसका भी उदाहरण आप सिरमौर जनपद सीईओ के साथ हुई घटना से लगा सकते हैं। स्थानीय निवासी को, जिसके द्वारा बताया गया यह कि किस तरह से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। ये कौन सा गांव है भैया? ये कौन सा गांव है? कौन सा गांव है ये? ये है मरहा। मरहा, ये कहां रोड जाती है? दादर। अच्छा, दादर रहा तो सरगढ़ी हरदी बभौरी। ये जो ये खदान चल रही किसकी है? ये कहां खुदाई हो रही है? कौन कर रहे हैं लोग? जमीन है उसी खोद रहे हैं। किसकी जमीन है? मोती पांडे जी का है। अच्छा, मोती पांडे यही के हैं दादर के? महा बनकुइया के। बनकुइया उन्हीं के लोग जमीन है। किसका किसका व्यवसाय है यहाँ? ज्यादातर खनिज पदार्थ यही खुदाई भाई वाला। हाँ हाँ, ना सब कुछ चल रहा है रोजी रोटी। आप कहाँ के रहने वाले? हम तो मरहा के। मरहा में नहीं निकलता पत्थर? मरहा में तो निकल रहा।
ये मराहे है जी, जी, जी। तो ये बनकुइया के हैं, यहाँ जमीन खरीदे थे क्या? हाँ जी। और ये किसका बंद हो गया, यहाँ पहले कोई दूसरा खरीद था अंदर ना? जेपी का था। अच्छा, जेपी प्लांट व्लांट ये सब डाले रहा, यहाँ काम चलता था, जाता था बाहर मारे वहाँ शंकरगढ़ जाता था, NTPC लोहगढ़ा UP। अब उसका टेंडर वहाँ का पूरा हो गया तो ये बंद कर दिया। मोती पांडे का तो यहाँ बड़ा काम है लंबा। हाँ जी, सबसे माने जाने ठेकेदार नेता भी है ना ये? हाँ, नेता तो नहीं आए हैं, लड़का नेतागिरी का लड़का करता है थोड़ा बहुत। बहुत डंफर उम्फर रखे होंगे, उसे सप्लाई करते होंगे। हाँ हाँ,